नवाज भाई क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में जो वेब सीरीज कॉन्सेप्ट इतना बड़ा हो चुका है, आपने खुद मतलब वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग वेब सीरीज स्टार राइट नाउ, फिल्म के अलावा क्या कहना? मुझे मैंने अभी सीरीज़ देखी, फर्स्ट एपिसोड देखा है, बहुत बहुत ही स्मूथ है, बहुत अच्छा लगा मुझे, परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी लगी। और चूँकि सुधीर सर हैं, सुधीर मिश्रा जी हैं, तो उनका हमेशा काम मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही स्मूथ है, और स्मूथ उसी स्मूथनेस में सिचुएशन टर्न हो जाती है, इंस्टेंट टर्न है, विच इज़ वंडरफुल। ये भी कहना चाहूँगा, अनुराग कश्यप के साथ किरगिज में काम किया आपने, क्या कहना चाहेंगे लिमिटेशंस रखना कितना ज़रूरी होता है? क्योंकि जब देखता है काफ़ी सारे लोग देखते हैं आज के दौर में, हर आदमी के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, तो क्या कहना चाहेंगे कि एक दायरे में कंटेंट जो होता है क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए? क्या मेरे समझ में आया? मतलब क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि पूरी फैमिली भी देखती है, हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन है, तो काफ़ी लोग देखते हैं, मतलब रीच काफ़ी ज़्यादा हो गया है आपके हाथ में यार मोबाइल, आपके हाथ में मोबाइल रहता है, जहाँ लगे कि आपको चेंज कर दो। हाय सर, यू नो कोहली जूनियर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है, हमने देखा बहुत ही बेहतरीन पोस्टर है, एंड यू नो एक बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? अभी तो देखिए बहुत ही, मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत ही प्री मैच्योर स्टेज में है, वी कांट से एनीथिंग अबाउट द फिल्म। और सर, यू नो सुधीर मिश्रा सर ने बताया कि आप उनके साथ भी एक फिल्म करने वाले हैं, सीरियस मैन, जो सीरीज है दलित मैन का किरदार निभाने वाले, कितने एक्साइटेड हैं आप, किस तरीके की तैयारियाँ चालू है? देखिए उसकी तैयारियाँ भी काफ़ी टाइम के बाद शुरू होगी अभी, लेकिन सुधीर सर के साथ मेरे काम करने का बहुत बड़ा ड्रीम था, और मैं हमेशा उनकी सारी फिल्में देखी हैं, उनकी जो स्पेशलिटी है वो हर फिल्म में निकल के आती है, और ख़ासतौर से जो सीरीज़ देखी मैंने अभी, फर्स्ट एपिसोड देखा, उसमें भी पता चलता है कि किसी मास्टर ने इसको किया, डिज़ाइन किया है, डायरेक्ट किया है, तो आई एम सो एक्साइटेड टू वर्क विद सुधीर सर। ओके, ऑल्सो उन्होंने ये भी कहा था यू नो कि है ना, मैं अपने स्क्रिप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था कि नवाज उसको ना ना बोल सके, तो कह सकते हैं ना वो चूजी है प्रोजेक्ट के मामले में? नहीं, हर एक्टर होता है, हर एक्टर चाहता है उसको अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट मिले, अच्छा काम मिले, डिफरेंट काम मिले, हर एक्टर चाहता है, मैं कह सकते चाहता हूँ। ओके सर, यू नो ऑल्सो एक लव स्टोरी है जिसमें आप यू नो फर्स्ट टाइम इस तरीके का किरदार निभाने वाले हैं, जहाँ पे आप रोमांस करते हुए नजर आएंगे, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? मैं तो अभी काफ़ी फिल्में कर रहा हूँ रोमांस के ऊपर, तो अभी मैंने सोचा था यार उसमें भी रोमांस है, अलग अलग तरीके होते हैं रोमांस के, लेकिन हाँ लास्टली अपने ठाकरे फिल्म में बहुत जोरदार किरदार निभाया आपने, क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि हाँ ये फिल्म नवाजुद्दीन सिद्दीकी करेंगे, ये बात है? मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ कि स्क्रिप्ट मेरे लिए लिखी जाए, क्योंकि उससे क्या होता है बहुत लिमिटेशन हो जाती है एक्टर की, मैं चाहता हूँ कि जो अच्छी स्क्रिप्ट हो, मुझे चैलेंज मिले, वो उसके लिए मुझे कॉल किया जाए, स्क्रिप्ट मेरे लिए लिखी जाने लगी तो फिर वो आपके क्या होता है ना कि आपके काम में वो आ जाता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, नहीं ग्रोथ नहीं हो पाती आपके काम की, तो मैं चाहता हूँ अनएक्सपेक्टेड स्क्रिप्ट्स हों, तो उसके लिए मुझे कॉल किया जाए तो मज़ा आता है कुछ डिफरेंट स्क्रिप्ट करना। देखिए वो हिस्ट्री की बात है, वो चीज़ों को दोहराने से कोई फायदा नहीं होता, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं सब लोग, मेरी तो उनसे कभी बात ऐसी कोई बात ख़राब हुई नहीं, मैं तो हमेशा उनकी काफ़ी हमेशा रिस्पेक्ट की है, हमेशा और फीमेल की रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज होता है। बहुत सारे टैलेंट आ रहे हैं स्पेशली वेब सीरीज में, बहुत बड़े बड़े टैलेंट आ रहे हैं, तो उनको मैंने कुछ सीरीज़ भी देखी है, कुछ देखा भी है, जो एक्ट्रेस आ रहे हैं जो अभी जो एक्ट्रेस आ रहे हैं स्पेशली वेब सीरीज़ में, जो एक्ट्रेस आ रहे हैं दे आर अमेजिंग एक्चुअली। जी क्या करिए, मेरी समझ में नहीं आया सवाल क्यों किया जा रहा है। So,
हाँ हाँ क्या है हॉस्टेज दिया गया हाँ जो सामने पहले आएगा उसको बचाऊंगा पहले हेलो మిమ్మల్నే ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా? లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం? యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.